तो बच्चों, आज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में समझेंगे। मान लीजिए कि एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू से मोशन स्टार्ट करता है, उसका एक्सेलरेशन ए है, तो टी सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हम फर्स्ट इक्वेशन से मालूम करते हैं। टी सेकंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हम सेकंड इक्वेशन से मालूम करते हैं। आफ्टर ए डिस्प्लेसमेंट एस, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, हम थर्ड इक्वेशन से मालूम करते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर टी सेकंड, जैसे कि 9 सेकंड, 10 सेकंड एट्सेट्रा में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हम यहाँ से मालूम करते हैं। इन सारी इक्वेशंस में याद रखिएगा कि एक्सेप्ट टी ऑल अदर क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। यू द इनिशियल वेलोसिटी, वी द फाइनल वेलोसिटी, ए द एक्सेलरेशन, एस द डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर वेक्टर्स। और इसलिए हमको यहाँ पर वेक्टर रूल अप्लाई करना होगा। कौन सा वेक्टर रूल अप्लाई करना होगा कि एक डायरेक्शन के वेक्टर्स को यदि आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। बस इतना सा करना है। व्हेन वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग वन डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव वेक्टर, देन द वेक्टर्स इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव वेक्टर। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन यू विल बी इक्वल टू जीरो। इफ पार्टिकल कम्स इन टू रेस्ट एट द एंड ऑफ द मोशन देन वी विल बी इक्वल टू जीरो। एंड इफ मोशन ऑकर्स अंडर ग्रेविटी देन ए इक्वल टू जी। और यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी हम सारे प्रॉब्लम में जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। हालांकि आपको मालूम है कि जी के वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी आपको मालूम है। तो बस सारे इक्वेशन सारे प्रॉब्लम इस चैप्टर के इन इक्वेशंस के ही हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, इन्हीं से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रॉब्लम से हम अपना स्टार्ट करें कि हम किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, ये भी हम जरा देखें। तो लेट यू हैव गिवन ए प्रॉब्लम, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ एट द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। इट रीचेस टू ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड, देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर। And second, velocity at the ground। ये दो बातें हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, एक बॉल को एक टावर के टॉप से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया है और वो नीचे ग्राउंड में 5 सेकंड बाद पहुंचता है, तो उस टावर की हाइट क्या होगी
और ग्राउंड पर पहुंचने की वेलोसिटी क्या होगी। तो जस्ट ड्रा ए रफ स्केच अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। सपोज दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम विच द बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज विथ वेलोसिटी यू देन बॉल मूव्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव डाउनवर्ड एंड फाइनली रीचेस टू द ग्राउंड। सपोज विथ वेलोसिटी वी द हाइट ऑफ द टावर इज सपोज एच। अब देखिए जैसे एक पार्टिकल अंडर ग्रेविटी चलेगा तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा जी, और हमेशा डाउनवर्ड होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तरफ लेते हैं, तो इनिशियली द बॉल वाज एट द टॉप ऑफ द टावर एंड फाइनली इट इज एट द बॉटम ऑफ द टावर एंड दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट एस इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल दैट इज इन अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। So we have two vectors in downward direction, the acceleration A, the displacement S, and one vector in upward direction. If you take an upward as positive, then downward will be negative. And if you take an downward as negative, then upward will be positive. कोई भी एक direction consider कर लीजिए, negative, positive. अब मेरा suggestion होगा कि जिस direction में ज़्यादा vector लगे हुए हैं उसको positive ले लीजिए, तो उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया तो ऊपर वाले डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी साइन के साथ में क्या क्या वैल्यू आपको अवेलेबल हैं, क्या आपको मालूम करना है, जरा यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो क्या क्या मालूम हो रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन यू 10 मीटर पर सेकंड है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यू की वैल्यू हो गई -10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो गया प्लस जी, मीन्स +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम यहाँ से पूरी जर्नी का टाइम लिया हुआ है 5 सेकेंड। अब मालूम क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने h माना हुआ है कितना होगा, और ध्यान देना है कि ये भी पॉजिटिव है क्योंकि s भी डाउनवर्ड है, और हमें मालूम करनी है कि v फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए u मालूम, a मालूम, t मालूम, s मालूम करना है, तो कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे आप, तो नेचुरली सेकेंड इक्वेशन विल बी द एप्रोप्रिएट इक्वेशंस। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमको यहाँ से हाइट मिल जाएगी, s की जगह रखना है प्लस h, चलो रख दिया, u -10 टी 5 प्लस हाफ a की जगह 10 वो भी पॉजिटिव इंटू t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो -50 +125 मीन्स 75 मीटर। तो जिस टावर के टॉप से बॉल को थ्रो किया गया है उसकी हाइट 75 मीटर होगा, और सेकेंड भी हमको मालूम करना है। अब हमको यू मालूम है, ए मालूम है, टी भी मालूम है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u is -10, a is +10, t is 5, and therefore it is 40 meter per second. ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूले, बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशंस, बट यू ऑलवेज कंसिडर the quantities u, a, s and v as the vector. और vector consider करते समय हमको बस यही ध्यान रखना है कि एक direction को positive लेने पर opposite को negative ले लेना है। कोई binding नहीं है, कोई restriction नहीं है, आप किसी भी एक को positive किसी भी एक को negative ले सकते हो,
लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मेरी सजेशन होगी कि जिधर ज़्यादा वेक्टर लगे उसको पॉजिटिव ले लिया जाए, तो जिस डायरेक्शन में कम वेक्टर लगे हुए हैं उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। मतलब ये कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में जितने भी क्वांटिटीज हैं उसके सामने हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, और इस पूरे साइन के साथ में डेटा अपने इक्वेशंस में रखिए, आपको अपना प्रॉब्लम दो लाइन में निकल आएगा। तो जो वेक्टर हैं नीट वाले बच्चे से बहुत घबराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह का मैथमेटिकल टूल है, और टूल का मतलब होता है आपके हेल्प के लिए बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आपको हेल्प करता है, आपकी डिफ़िकल्टी लेवल को नीचे करता है, कम करता है, आपके डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता नहीं, इसको ध्यान रखना है। तो जितने टूल्स हैं उनका यूज करना सीखिए, तो आपका टाइम भी बचेगा, प्रॉब्लम भी सही सॉल्व होगा, हर चीज़ एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये अब ऐसे ही हम कुछ प्रॉब्लम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे बस आपको इतना ही समझाना था कि कैसे हम वेक्टर रूल्स इन इक्वेशंस में अप्लाई करते हैं। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टैंड हाउ द इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन। हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स और भी लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब इस रूल को अप्लाई करते हुए आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक शायद न बन पाए होंगे, अब ज़रा कोशिश कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, मैं आपको प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें फिर इसी चैप्टर के आगे के प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो कि मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।